good morning students welcome in our social science class in our last class we were doing constitutional design chapter 3 of class 9 today we will continue our topic in our last class we have discussed making of indian constitution in which we have discussed the path to constitution today we will discuss the constituent assembly so let's start so dear student the drafting of constitution was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly means constituent assembly was an elected assembly which drafted our constitution elections to the Constitu constituent assembly were held in july 1946 its first meeting was held in december 1946 the member of constituent assembly were elected in july 1946 and First meeting was held in December nineteen forty six means before independence. Soon after the country was divided into India and Pakistan, in fourteenth uh, August nineteen forty seven, the Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. Britishers Nehame constitution banane kaha or जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो बना ली गई और इसका फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हो भी गई इसकी फर्स्ट मीटिंग लेकिन 15 अगस्त 1947 में जब कंट्री डिवाइड हो गई तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स भी जो थे वो डिवाइड हो गए वो एरिया जो कि पाकिस्तान में गया तो वहाँ के जो मेंबर्स थे उस एरिया से जो मेंबर्स चुने गए थे वो पाकिस्तान में चले गए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चले गए और इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डिवाइड हो गई द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू नाइन्टी नाइन मेम्बर्स देंबली अडोप्टिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन बट इट केम इफेक्ट ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बन के तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोटी नाइन को बन के तैयार हो गया असम्बली ने ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोटी नाइन को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया बट इट केम इंटू इफेक्ट ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी

वन रीज़न अबब दैट दूशन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेम्बर अलोन इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंस ऑफ इट्स टाइम इसके पीछे रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है केवल उसके मेम्बर्स के व्यूज़ को ही एक्सप्रेस नहीं करता ये उन लोगों के उस वक्त जितने लोग थे उन सबके की सर्वसम्मति को भी एक्सप्रेस करता है कंसेंसस को जो सब एक मत में थे उसको भी एक्सप्रेस करता है मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अ फ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार री राइट करना पड़ा बार बार उनको बदलना पड़ा लिखना पड़ा क्यों क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बहुत सारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बस एक कागज़ का पुलिंदा है ठीक है मेयर पीस ऑफ पेपर है नो वन एक्चुअली फॉलोज इट

वो इट इज़ चला आ रहा है कुछ लोगों ने कुछ ग्रुप ने उसको पर क्वेश्चन करने की कोशिश की लेकिन कभी भी लार्ज सोशल ग्रुप या लार्ज पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कभी भी उसकी लेजिटिमेसी पे, उसकी वैधानिकता पे कभी क्वेश्चन नहीं किया गया दिस इज़ एन अनयूजल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन और ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है The second reason for accepting the constitution is that. So, first reason was. What was the first reason for accepting the constitution? It was. The first reason was that it expressed a broad consensus of the people of India. The second reason for accepting the constitution is that. The Constituent Assembly represented the people of India. Constituent Assembly jo thi, mein jo members of India ke logon ko kar rahe the. There was no universal adult franchise at that, at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that is mentioned above जब constituent assembly बनी 1946 forty में Britishers तब तक थे यहाँ पे और उस वक्त universal adult franchise जैसी चीज़ नहीं होने की वजह से हमारी कंट्री के सभी लोगों ने constituent असेंबली के मेंबर को नहीं सुना उन्हें नहीं लट किया बल्कि ये मेंबर एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर थे 1935, 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ उसमें जो मेंबर इलेक्ट हुए थे जिन्होंने इलेक्शन जीता था वही लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर थे एंड दिस इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स

क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही थे जो नाइनटीन थर्टी थर्टी सेवन के इलेक्शन में जिनको लोगों ने चुना था फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ग जस्टिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ग इन अ सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसेंसल मैनर फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड अग्रीड अपॉ ठीक असम्बली एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही थी सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे उनको डिसाइड किया गया और उस पर सहमति बनाई गई देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन और उसके बाद बी आर आम्बेडकर ने एक फॉर्मल ड्राफ्टिंग की कॉन्स्टिट्यूशन की जिसके ऊपर डिस्कशन होना था सेवरल राउंड्स ऑफ थॉट सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन सॉरी सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट डिस्कशन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल जो डिफरेंट प्रोविजन्स थे उनको कई राउंड्स में उन पर थोरो डिस्कशन किया गया क्लॉज बाय क्लॉज मोर देन टू थाउजेंड अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड एक एक क्लॉज को डिस्कस किया गया सबकी सहमति ली गई और लगभग हजारों बार प्रोविजंस को अमेंड करना पड़ा द मेंबर्स डिलिबरेटेड फॉर हंड्रेड फोर्टीन डेज स्प्रेड ओवर थ्री ईयर्स कॉन्स्टिटूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन तीन सालों में लगभग तीन साल टू इयर्स एलेवन मंथ एटीन डेज के ड्यूरेशन में हंड्रेड फोर्टीन डेज इनकी मीटिंग हुई और डिस्कशन हुआ एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ग वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ बिन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्वड जो जो डिस्कशन हुआ है और जो भी चीज़ें बोली गई कही गईं उन सब को रिकॉर्ड किया गया है और रिटर्न फॉर्म में उनको प्रिजर्व करके आज भी रखा गया है दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स वेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर ट्वेल्व बल्कि वॉल्यूम्स और जब उनको हर मैटर पे जो डिस्कशन हुआ उसका उसको जब प्रिंट किया गया तो बारह वॉल्यूम, बारह बल्कि वॉल्यूम्स में वो सारे जो हैं वो प्रिजर्व किए गए हैं दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इनको क्यों रखा गया है ताकि हर प्रोविज़न जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के विद्वानों ने बनाया तो उसको बनाने के पीछे क्या मकसद था वो सारा हम जान पाएं इसलिए उन सारी चीज़ों को उसमें प्रिजर्व करके रखा गया है दीज आर यूज़ टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मैटर इंटरप्रटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट इन्हीं गाइडलाइंस के थ्रू क्या सोच कर हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर्स ने वो प्रोविज़न बनाया है तो वो जो प्रिजर्व है उसको कई बार उसकी भी हेल्प लेते हैं कॉन्स्टिट्यू कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए नाउ फिलासफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर टर्न नर्चर्ड बाई एट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी वो वैल्यूज़ जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जिनसे हम गाइडेड हुए वो एक तरह से हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी के फाउंडेशन हैं दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन दिम्बल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वो सारे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पेम्बल में लिखे हुए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स को गाइड करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन्स विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो वॉट इज प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यूज राइट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल Most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. Let us read the preamble of our constitution. In our constitution, it is written We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. And to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among, among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly. This 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. This preamble to the constitution contains the philosophy on which the entire constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad it is the soul of the indian constitution the values which are embedded in our constitution is sovereign socialist secular democratic republic justice liberty equality and fraternity all these values have been kept in mind at the time of making our constitution now institutional design a constitution is not merely a statement of values and philosophy but a constitution is mainly about embedding these values into institutional arrangement much of the document called constitution of india is about these arrangement it is a very long and detailed document means very long written document therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated those who crafted the indian constitution felt that it has to be in accordance with the people and their aspiration they did not see it as a sacred static and unalterable law so they made provisions to incorporate changes from time to time these changes are called constitutional amendments the constitution describes the institutional arrangement in a very legal language. Here we have seen that our constitution makers have crafted the Indian constitution and they felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society may be accepted. So they made provision to incorporate changes from time to time and these changes are called constitutional amendment so what is constitutional amendment time to time when provisions of constitution is changed according to the changing aspiration of people so changes in the provision of constitution is called constitutional amendment so this is all about your chapter hope you have understood and enjoyed go through your book and if there is any difficulty if you are having any query you can ask me anytime thank you and have a nice day